नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं हाईकोर्ट में निकली हुई भर्ती के बारे में। हाईकोर्ट में निकली है अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि हाईकोर्ट में हो रही है। तो दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है, और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो इस जॉब के संबंधित पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की है, लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, और साथ ही साथ जो आर्टिकल है आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है उसके भी लिंक्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसे आप डायरेक्टली उस आर्टिकल पे आकर पूरी जॉब की जो जानकारी है प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स है आते रहेंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकोगे। तो बढ़ते हैं हाईकोर्ट के वैकेंसी की ओर। तो इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको उर्दू आनी जरूर है, वो भी स्टेनोग्राफिंग में। असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर, अकाउंटेंट क्लर्क, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर तथा प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी, चौकीदार और स्वीपर के वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 148 है। पे स्केल आपको 5,200 से 34,800 रुपये तक वेतन मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जा सकते हो, पर उसके पहले हम देख लेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट वाइज चेंज हो सकता है, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जनरलाइज जो है हम आपको बता देते हैं, 10th और 12th पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा पास तथा डिग्री पास उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर प्रिफरेंस है अच्छा जॉब पाने का। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 48 ईयर्स है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मौका है जॉब पाने का। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी रिलैक्सेशन मिल सकती है, तो अच्छा खासा आपको कंसेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटर्न टेस्ट तथा इंटरव्यू के द्वारा होगी। आपके यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाले है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफिंग के लिए हो रही है जो कि उर्दू में होने वाली है। अप्लीकेशन फी आपको भरनी है, वो कितनी है वो एग्जैक्ट हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए क्या है। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 15 जनवरी 2019 है। 15 जनवरी से आप 3 फरवरी तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो, तो 3 फरवरी तक आपके पास टाइम है। जितना जल्दी हो सके आप इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा 3 फरवरी के पहले, जिससे आपका एप्लीकेशन निश्चित हो जाए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड की गई है आपको, जिससे आप इन लिंक को एक्सेस कर सकते हो। देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है, बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है। 15 जनवरी से 3 फरवरी तक ये वैकेंसी लाइव है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, jkhighcourt.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर। एप्लीकेशन फी कितनी है देख लेते हैं। डिपॉजिट जो कि 160 रुपये है फॉर क्लास 4, एंड प्रोसेस सर्वर, ऑर्डिनरी, चौकीदार एंड स्वीपर के लिए 260 रुपीज एप्लीकेशन फी है। और ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप, तो बहुत से आपके काम जो है इजी हो जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है प्रिंटआउट के, आपको ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, जैसे हमने कहा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ओपन 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो जितनी जल्दी आपसे हो सके इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर के द्वारा ही भर्ती जारी की गई है, जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी तक को पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हर रोज जो जॉब्स के अपडेट्स आते हैं वो पा सको। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।